ये मेरे बाप का घर है, तुम्हारे बाप का नहीं। ये क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ। इस घर में तुम नहीं रह सकती, जाओ यहाँ से। मुझे हिम्मत दे मेरे मालिक कि मैं अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकूं। मेरे परवरदिगार, तू गवाह रहना, मैं एहसान फरामोश होने से नहीं हूं। बेटा, मैं जानता था तुम यहीं मिलो। अगर आज अमानत जिंदा होता तो शायद मैं उससे निगाहें न मिला पाता। बहुत परेशान कर दिया मैंने तुम्हें। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए था मुझे। अब्बा जी की याद आई और मैं यहां पे आ गई। बेटा, तुम मुझे बता के तो आ सकते थे, क्या मैं तुम्हारे बाप की जगह नहीं है? बेशक है, और अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मगर बेटा, तुम्हारा शिकवा, तुम्हारी तकलीफ सब जायज है। मैं शायजान के लिए तुमसे माफी मांगता हूं। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने आपकी और आपकी जिंदगी में परेशानियों का बाइस बनी, और अब मैं नहीं चाहती कि आपके और आपके बेटे के दरमियान मेरी वजह से दूरियां पैदा हों। आपने मुझे अपनी बेटी कहा है ना, तो कोई भी बेटी अपने वालिद के घर में परेशानी और मुश्किलात पैदा होते हुए नहीं देख सकती। बेटा, तुमने ये बात करके मेरा दिल खुश कर दिया है। देखो बेटी, मैंने अपना घर बड़े प्यार और मोहब्बत से बनाया, तुम एक कम जर्फ के लिए ऐसा फैसला क्यों कर रही हो? अगर वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता तो ना सही, लेकिन मैं तुम्हें अकेले इस मोहल्ले में रहने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अंकल प्लीज, मुझे मजबूर मत करें। मुझे इस आजमाइश पे पूरा तो उतरने दें। मैं स्कूल में नौकरी कर लूंगी, मैं कर लूंगी अपना गुजारा। देखो बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई भी आजमाइश आने दो। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें अमानत की कसम। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इब्राहिम और उसके खानदान से कभी खफा मत होना। वजह उसकी औलाद हो या हालात, बचपन का दोस्त है वो, भाइयों की तरह ख्याल रखता है हमेशा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कभी भी उसका दिल दुखे।